फोन हमने पुलिस पाई, पुलिस पाई तो बाहर खाट पे लुटा रखी, तो पुलिस ले जैसे हमने कही लिया चलो पिकअप में आ गिला। सुबह से लहास पड़ी है सर, गरीब मानस का इंसाफ की ना मिले हैं। सुबह से जो मट्टी बेदर्दी करके पटक रखी है गरीब मानस लोग, कभी इंसाफ ही नहीं मिलेगा हैं। घर भी खुदा पड़ा, घर पे एक रखवाली बैठा हिल पड़ रही है, पूरी नाड़ टूटी पड़ी है छोरी। मेरा नाम कुम्मन है जी, नाम लेत है जी। 15 साल पहले हमने शादी की थी, और शादी हमने बहादुरी गांव की थी जो तिजारत तहसील में पड़ता है राजस्थान में। उसके शादी के बाद से ही लड़कियों को ये परेशान रखने लग गए थे, तो उसमें बार बार हम आए, बार बार समझा के गए, एक दो बार पंचायत भी आई बीच बीच में। तो 15 साल के पीरियड में ज़्यादातर 10 कम से कम भी 12 साल लड़की हमारे पास रही है। कभी 10 दिन के लिए आते थे, कभी 5 दिन के लिए थे, परेशान करते थे। और इनमें जो था, इनका शहजाद नाम का जो है इस लड़की का पति था जो हमारा दामाद, और उसका बहन भी मास्टर यूनुस खानपुर गांव से बिलोंग करता है, उसका इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है। और पंचायत में हर बार हमने उसको बुलाया, हर बार उसने हमको ये आश्वासन दिया कि तुम्हारी लड़की सही रहेगी। तो हमको, हम उसके कहने पर लड़की कर जाते थे। लेकिन अभी 6-7 महीने पहले की बात है, इन्होंने लड़की हमने भेज दी, इन्होंने उस लड़की के बिजली का शॉर्ट लगाया। तो शॉर्ट लगने के बाद लड़की ने फ़ोन किया, मेरे से ऐसे तंग कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई उमरदीन नाम को नूह में रहता है, मैंने उमरदीन को फ़ोन किया, नूह भाई वहाँ पर जा देख मामला क्या है लड़की के साथ। वो वहाँ पर गया है तो वास्तव में लड़की कमरे में पड़ी हुई थी, उसको चोट लगा रखा था। तो उसने फिर 112 नंबर पर कॉल किया, उसने पुलिस बुलाई वहाँ पर, माँ बेटा को लेकर, और उनको माँ बेटा को थाने में भी लेकर यहाँ सिटी थाने में, फिर उनका कंप्रोमाइज़ हो गया, हम भी बुला लिए। हमने कहा वो माफ़ी मांग लगे, चलो कोई बात नहीं भाई, आगे तुम अच्छी तरह रखना। फिर हम लड़की को छोड़ गए। फिर चार पाँच दिन बाद फिर परेशान किया, फिर वो लड़की को हम ले गए, चल भाई तुम नहीं रखते तो कोई बात नहीं। उसके बाद में अभी मार्च इसमें जनवरी 2023 में फिर लड़की को लेने चले गए तो इन्होंने फिर लड़की को तंग किया सिटी थाने में। जो हमारा बड़ा भाई अब्दुल जिसकी लड़की, उसने एप्लीकेशन लगाई, फिर पुलिस ने दोनों फ्रीक बुलाए, उधर से वो भी बुलाया, मास्टर भी बुलाया, और हम भी आए। फिर कंप्रोमाइज़ करा दिया पुलिस ने, फिर हम लड़की को यहीं अपने साथ लाए, फिर भेज गए। उसके 15-20 दिन बाद, महीने की बात है, अभी आज रात को उन्होंने लड़की को मार दिया। किस तरीके से मारा है, सूचना मिली थी भाई लेडीज़ को मारा गया है, जिस पर मौके पर पहुँचे थे। पहुँचने के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी गई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसको पोस्टमार्टम किया कर जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो कार्रवाई अमल में आएगी।